अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, आ जाएं, करते हैं वीडियो का आगाज़। सबसे पहले मैं ना किचन में आई हूँ। आज ना मतलब बड़े काम ने, तुसी कुछ ना पूछो तो फटाफट काम स्टार्ट करने। मैंने लिया था पपीता, पड़ा हुआ था, लिया नहीं था काफ़ी देर का, तो मुझे ये तो इसको ग्राइंड करना, आज मुझे इसकी पड़ गई ज़रूरत। और रोज़ इसको मैं कह रही थी अच्छा करनी हो, पता आपको सुस्ती हो जाए, जब आपको ज़रूरत नहीं ना तो फिर आप ना आगे आगे दिन करते रहते हैं। तो सेम ऐसे ही था। इसको मैंने आज पीस के रखा है, मुझे कुछ चाहिए काम, दिखाती हूँ कि कादली चाहिए। अभी मैं ना चिकन को मसाला लगा, चिकन, हाँ चिकन को सही बोल रही हूँ, मसाला लगाने लगी। मैंने वही बेसिक घर के मसाले लिए हैं। मैंने दही लिया है और साथ लाल मिर्च, दादर मिर्च, नमक और खुश्क धनिया और वो ऑयल और क्या कहते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के, तो मैं क्या कहती हूँ चिकन पूरा, होल चिकन भी नहीं है, लेग पीस नहीं है, ये है चिकन विंग्स। तो इनको मैं लगा के मसाला रखने लगी हूँ। सुबह सुबह ये मुझे लगा 9, सवा 9 का टाइम है। मैं सबसे पहले उठी, सब सोए हुए हैं। मेरे घर में आई मैं जेठानी सिस्टर जो होती जिसके घर में जाती हूँ, वो रात के आए हुए हैं। तो मैं उनके ना सोते सोते मुझे ये था कि रात को मैं लगा के सो जाऊँगी, लेकिन नो माशाल्लाह माशाल्लाह ना बस बहनते बैठे बैठे गल्ला बातें करते हैं। टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सुबह लगा लूँगी उठते ही। तो भी मैं कीमा निकाल के रखे हो, तो कीमा इतना मोटा लेके आया ना, तो मैं फिर उसको दोबारा मैंने मशीन में डाला और उसको मैंने पीसा है। मुझे ये था कबाब ना फिर वो टूट जाते हैं, अगर आपको कीमा मोटा रखें ना तो वो कबाब जो ना टुट पुट जाते हैं, टुट पुट दाना, क्या कई का दाना वैसे वाले हो जाते हैं। अच्छा जी, इसको मैं सीखी कबाब का मसाले लगाने लगी हूँ। सीखी कबाब के पूरा पैकेट मैंने लिया है, वही मसाले चिकन वाले इसके अंदर जाएंगे, सिर्फ दही नहीं जाएगा और एक्स्ट्रा इसके अंदर जाएंगे। प्याज जो है ना इसको मैंने ग्राइंड करके अच्छी तरह इसका पानी नुचड़ जाएगा, उसको मैंने बस डालना है। प्याज अगर आप डालें उसके साथ भी ना आपके कबाब टूटते नहीं है। और बस उसी मेरी कोला का लीवे को कहनी, मैं घोल घोल के मसाले ला रही हूँ जल्दी। तो कीमा भी मेरा चला गया। अगर मैं आपको बैकग्राउंड दिखा देती ना किचन की हालत है, तुसी कहो हाय बाजी तुसी कैसे संभालना है, कुछ ना पूछो। अच्छा जी, अभी मैं ना जैसे होते ना गोश्त मटन के जो लैम के होते ना, वो स्टेक्स टाइप पतले पतले बना के लेके उसको मैं लगाने लगी हूँ। अभी मैंने लेमन लिया 2 से 3, 2.5 चम्मच, ऑयल भी इतना ही लिया है और अंदर वही घर के मसाले जाएंगे जो बाकी चीज़ में डालने हैं, सिर्फ दही नहीं जाएगा। तो इनको मैं करूँगी मैश, और मैं एक एक पीस लेके ना, तो मैं वो जो चांपे टाइप कह लें, चांपे तो नहीं कहूँगी, स्टेक्स टाइप ही कह लूँगी, बारीक बारीक ये लैम की लेके आए। तो इसके अंदर धनिया डाला है और एक एक पकड़ के इसको मसलूंगी, इसकी मसाज वगैरह करूँगी ताकि इसका मसाला जो ना इसके अंदर रच मिच जाए, हाँ रच मिच जाए ना। तो अभी मसाले वगैरह लगा के फिर मैंने किचन साफ़ करना है, फ्रिज में रख दूंगी कि जब उठेंगे ना बच्चे, मैं उस वक्त उठाऊंगी जब पता है कि सीधे पार्क से जाना, कोई नाश्ता नहीं करना पड़े। तो आज मेरी यही कोशिश थी कि मैं नाश्ता ना ही करवाऊँ कि उठते बच्चे, चल वैसे भी लेट ही उठना था, मुझे पता था। मैं इसी चक्कर में ना मैंने नाश्ते की कोई तैयारी नहीं की, मुझे यही था मुझे कि उठते बाद निकल जाइए। अभी सारी चीज़ें मैंने पैक चेक करके रख ली हैं। और ये जो चटाई है, 2 चटाई लेके गई थी लेकिन थोड़ी बढ़ गई थी, मुझे चादर भी लेके जानी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर जैसे जैसे चीज़ें मैं पैक की वैसे वैसे बच्चों को दे के ना गाड़ी में भेज रही हूँ कि आप जाएं। इन्ना मेरा सामान है जिन्ना इन्ना ने बच्चे ने अपना ले लिया, किसी ने फुटबॉल, किसी ने रोला, किसी ने क्रिकेट का मैच, पता नहीं होते की सारी की करन जाना से। खैर छोटी छोटी चीज़ें कैसी बच्चों की अपनी होती ना माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 गाड़ियाँ हम लेके गए और 3 गाड़ियों की डिग्गी फुल थी। घर से अगर आप जाते ना पार्क में ऐसे ग्रिल करने का, फिर कुछ ना कुछ रह जाते। और मेरी आज काफ़ी चीज़ें रह गई थी, मेरी छोटी छोटी चीज़ें, कुछ चम्मच, कुछ भी ऐसे ना मतलब चीज़ें रह गई थी ना। खैर आपको पता है आपस में तुसी हो ना बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन ये है कि अगर घर में मैं ग्रिल करती हूँ गार्डन में फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। तो क्या हुआ कि जब से कोरोना आया ना हम 2 साल पार्क में गए ही नहीं, तो मुझे ना आदत थी, हम ज़रूर जाते थे साल में जब भी गर्मी आती थी, हम तकरीबन वहीं जाके ना ग्रिल करते थे। फिर मुझे प्रैक्टिस हो गई थी कि क्या क्या लेके जाना क्या क्या नहीं लेके जाना, लेकिन इस दफ़ा 2 साल के बाद जा रही हूँ तो मेरी चीज़ें भूल गई। मैंने कहा हम फिर वापस लाइन पर आना पैना, फिर प्रैक्टिस करके। मेरी फैमिली को ग्रिल बहुत बहुत पसंद है। ग्रिल मतलब बारबेक्यू ना, तो हम गार्डन में भी करते रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बाहर ये खुले माहौल में हर किसी को पता है मज़ा आता है। तो हम दोनों थे तो हमने तो वैसे ही मज़ा था ना कि अगर आपने ग्रिल करनी है बस आपको घर में मसाला लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी मर्द हजरात जाने उनका काम जाने, हम बस उधर जाके ना फिर खाने वालों में होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि ये वीकेंड जो है ना वो उन्होंने लुड्डियाँ पाइयाँ ने तो मेरी मेद निकल गई, इसलिए क्योंकि जब जुमेरात से लेके इतवार तक मैं लगातार बिजी रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है ये वाला जो वीकेंड बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का भरया भरया जो वीकेंड है ये गुजरा है। आज मंडे है तो अज हूँ साढ़ी थकावट नहीं उतरन दी, हजे तक तुसीं अंदाजा ला मैं वॉयस ओवर करनी है तो वॉयस ओवर करते भी मेरी हिम्मत नहीं आ रही कि मैं हिम्मत पकड़ा फिर मैं वॉयस ओवर करूँ अच्छी वाली। तो आप पहुंच गए हैं अभी, बच्चे अभी सारा सेट सूट करेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे, उसको रखें तरेंगे कितने कितने रखनियाँ ने, तो इनको ये अपनी ड्यूटी पे लग गए हैं सारे जो भी बच्चे हैं और इनके अब्बा जी हैं। तो हम लोग जो ना तिक्के जो थे ना वो भी थे, लेकिन वो जो मैंने लगाया था लैम्प के उसके अंदर ही मैंने तिक्के भी डाल दिए थे। मुझे ये था एक ही मसाला है तो एक विचे सुट्टो कि बखरे बखरे डब्बे पैक करने ने, तो इनको हम ना लगा रही हैं स्टिक्स पे। तो अभी बच्चों को भेजा है मैंने, जो पखे शखे आयन और शाप से इकट्ठे किए थे मेरे तोड़ पाने छड़े ने बच्चे ने हवावा दे दे के। अगर घर में होते ना तो मेरे मियाँ आपको पता है जो हेयर ड्राई होती है मशीन उसके साथ मतलब ना आग जला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मत वाजी उन्होंने ना ये पखा चल चल के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने प्लान तो कर लिया था, लेकिन मौसम तो 38 पे जाना था, कल सोच के तो नहीं गए थे, हम दुआ करके गए थे कि अल्लाह ताला जी मौसम बदल दे, पर बड़ी सोहनी हवा कोई मसला ही नहीं रहा, नहीं तो जैसे था ना कि वही बड़ी गर्मी। उन्हें हम इंतज़ाम बड़ा करके गए थे, बर्फ़ शरफ़ ठंडा पानी ये वो, लेकिन शुक्र है कि सारा बड़ा अच्छा बड़ा सोच के बंदा जावे ना, कहते तुसी अच्छा सोचो ना तो तुम्हें अच्छा ही मिलता है। तुसी जेड़ी नीयत करोगे ना सच्ची तुसी हमेशा ना वो वाली नीयत कराया करो जिन्हें तुम्हें पता है कि हो जानी है नॉर्मल। तो कहते अल्लाह ताला से हर चीज़ अगर मंगना तो बंदी चंगी चीज़ मंगे, तो आपको जिस चीज़ को उस वक्त ज़रूरत होती है ना उस वक्त जो आप मांग ले तो पूरी हो जाती। फिर बंदा अक्सर सोचते हैं हाय आज तो मेरी यह दुआ कबूल होगी, मैं चंगा ही मांग लेती, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। जो आपकी नीयत होती है अल्लाह ताला को सारा पता होता है। तो अभी साथ साथ खाना मैं बच्चों को दे रही हूँ, ये मैं प्लेट आपको साथ साथ अपने छोटे छोटे प्लेटें जैसे जैसे मैं दूँगी ना वो भी तुम मैं लुक वहांदी रवांगी, कैसा मज़ा तुम भी के फुल मज़ा आ जाएगा। खैर अब आ गई लैम की बारी, तो लैम ऊपर सुट्टा सुटाई कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी रही है क्योंकि इसको मैंने पपीता लगाया था और इतनी अच्छी क्योंकि हीट जो है ना कोले जो गरम गरम वाले थे वो हो गए ख़त्म और हीट नॉर्मल हो गया और इसके अंदर से अंदर तक ये ना पका है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो है ना उनको बड़ी भूख लगी थी, मैंने तेन कहा ना मैं डंडी मार के नाश्ता नहीं कराया, फटाफट ग्रिल में ले आई थी। सबसे पहले बच्चों को हमने बांटा कि ये खा के एक दफ़ा माशाल्लाह एक निकल जाए साइड पर हो जाए, फिर हम आराम से खाना खाएँगे। नॉर्मल तो बारबेक्यू जो है ना ये तो आराम से बैठ के खाने वाली नहीं है कि बंदा के सारा पकेगा तो फिर हम सजा सजू के खाएंगे, ऐसे होता नहीं क्योंकि ये गरम गरम ऐसे मतलब खाने वाली चीज़ है। इसको आप बना के तो स्पेशल आप लाइन बना के खाएं, ऐसे नहीं, ये साथ साथ खाना पड़ता है। तो अभी ये है मेरे मियाँ ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था। अच्छा ये काम करते ना इन्होंने बिल्कुल भूख नहीं लगती, लेकिन जब खेल शेल के जो भी उन्होंने करना करना फिर बाद में जाकर उनको भूख आती है लगती है, मतलब बच्चों की तरह मैं आज बोल रही हूँ। फान आफिया कहते हैं मुझे भूख आई है तो मैं भी उनजी बोलने लगती है, अक्सर उनको भूख लगती है तो मामा मुझे भूख आई है तो उनकी उर्दू तो ठीक करवाती रहती हूँ, लेकिन उनकी हो जा नहीं लगता मैं अपनी उर्दू ख़राब कर लेनी। अगे मेरी उर्दू बाठी है सीधी जी गल जो है हम जो ना पंजाब में रहने वाले हैं, हम उर्दू बोले पंजाबी बोले, हमारी पंजाबी अंदर से निकल आती है। जो जितनी मर्जी तुसी सलीस उर्दू भी बोलते रहोगे लेकिन तुसी हो नहीं सकता कि तुहाडी अंदरों जी पंजाबी टपक टपक के बाहर ना आए। तो इसलिए बेहतर है जो आप हैं वो ही रहें, नई कोशिश करें ऊँची दुकान फीका पकवान बनने वाली, तो जो है वही दिखाया करें। तो जब मैं वही रियल बात कर रही हूँ ना कि असी एडे नहीं है कि हूँ उर्दू है तो हूँ असं पंजाबी नहीं बोल सकते, इंज नहीं होंगे। जो तुहाडी जबान नॉर्मल स्टार्टिंग तुसीं इक सीखिया है ना उही तुहाडा निकलदा। खैर यहाँ पे अब आ गई है कीमे की बारी एंड पे, और उसको साथ ऑयलिंग कर रहे हैं ताकि मतलब जूसी जूसी कीमा बने ना। ये देखो बिल्कुल टिक्कियाँ टूटी नहीं, तो सिर्फ एक तो प्याज की वजह से और एक मैंने कीमा बारीक किया था। तो अब सारे बच्चे जो है ना वो अपने अपने मगन हो गए, खेल खलैये में मसरूफ़ हो गए माशाल्लाह। कोई मुझे लगता छोटे बच्चे हैं वो उधर स्विमिंग पूल बच्चों का बना हुआ था वो वहाँ चले गए हैं और ये इधर खेलने लगे, और हम दोनों सिर्फ बैठ के ना आराम से खाना खा रही हैं और बातें शातें कर रही हैं। फिर उसके बाद हम भी थोड़ी सी ना रौन लगा के वाग पे 2-3 चक्कर लगा के आई हैं। तो खैर शुक्र है आज का दिन भी बड़ा ही अच्छा गया, बल्कि वीकेंड ही बड़ा मज़ेदार भरया भरया लंघ गया। अब आगे इंशाल्लाह ताला और अच्छे प्लान करके आऊँगी और बच्चों को भी मज़ा दूँगी और आपके भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। ये भी होता ना कि मेरे साथ आप भी जाते हैं, जो पिछली 2 वीडियो गुजरी है वो भी आपने बड़ी बड़ी तारीफ़ की है, अप्रिशिएट की है, बहुत शुक्रिया जी। मज़ा तो आता है, लाजमी गल है, बच्चों को मज़ा आता है, मुझे आता है, जब आप लोग तारीफ़ करते हैं फिर और प्लस प्लस हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे आफिया रोला ले गई है और ये अपना फुटबॉल के साथ खेल रहा है। तो अभी रखते हैं चाय, चाय तो मस्त है ना, चाय ऊपर रख के मतलब ये खेलने लग गए थे। चाय भी मैंने नहीं बनाई, इन्होंने बनाई है। ये जो आए हैं ना बता दिखा देने हैं, उसको चेक करके देखो कोई भूलिए कि नहीं। चाय भी हो गई डन। होए 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 चाय का कोई स्वाद से कोली वाली का सच्ची में बता नहीं सकती। ये देखिए इसकी कलर देखे, तुम छो सारिया गल्। बीच में ना हमने तरबूज भी खाया था, वो मैंने वीडियो बनाई डाली नहीं है। मैंने कहा तुसी कहना है बाजी तुसी दुआने तो बाद ही तुसी चाय पी लियो, बड़े वक्फे के बाद हमने जाके चाय बनाई थी। तो यहाँ पे कप में चाय डाल रही हूँ, 3 कप हम बनाने थे लेकिन जाज़ब ने भी पीनी थी। तो इतने असीं पीवांगे चाह, तुसी इतने मैनू दो इजाज़त। इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी कल। तो मुझे और मेरी फैमिली को खास और याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।